जी सर, हमारा एक सर हमारे किशनगढ़ मार्बल मंडी से एक हमारा वार्ड नंबर एक है, जिसके अंदर जो हमारा युवा भाई मरा उसका नाम विष्णु सिंह है, उसका बनाम विष्णु सिंह है, उनके पिताजी का नाम राजेंद्र कुमार जी है। सर ये सुबह निकला था अपने काम पे, एक मार्बल जो गोदाम है, जो कटर लगाया हुआ है, उसका नाम था सुहेन सर। उसके अंदर वो 9:30 बजे के लगभग अपने काम पे गया था, एक घटना घटित हुई सर, जिसके अंदर उसके ऊपर एक ब्लॉक गिर गया। उस ब्लॉक का उसको पता था कि ये क्रेक है, तो सर उसने अपने मुनीम को बताया, जो वहाँ पे था ठेकेदार या मुनीम जो भी था, उसने बताया। एक उसके साथ लड़का था जिसका नाम कानाराम था, उन दोनों ने कहा मुनीम को कि सर ये क्रेक है, यहाँ पे दुर्घटना होने की संभावना है, तो आप इसको प्लीज चेक कर लीजिए, आप सेठ जी को बोल दीजिए। उन्होंने पता नहीं सेठ जी से बात की है या नहीं की है, तो नहीं, बात की थी, फोन किया था। उन्होंने बोला कि सर ये ओके है, मैंने बात कर ली है, आप इसको रखिए। तो सर कान्हाराम ने और विष्णु सिंह ने उस जो ब्लॉक था उसको रखने के लिए आगे गए। देन उसके बाद में सर जो विष्णु सिंह की साइड थी वहाँ से ब्लॉक उसके ऊपर गिर गया, तो सर उसकी बहुत बुरी तरह से वो घायल हो गया। उसको मार्बल जो हमारा मार्बल सिटी हॉस्पिटल है किशनगढ़ के अंदर, वहाँ पे ले जाया गया। वहाँ पे ले जाने के बाद आधे घंटे उसकी ब्लडिंग चली, वहाँ पे उन्होंने रेफर कर दिया। वहाँ पे कोई सुविधाएं नहीं थी, इमरजेंसी कोई सुविधा नहीं थी, तो उन्होंने अजमेर रेफर कर दिया। अजमेर उनको क्षेत्रपाल हॉस्पिटल लाया गया सर। क्षेत्रपाल हॉस्पिटल में 10 या 15 मिनट के बाद उसने दम तोड़ दिया सर। उसके बाद में जो उनके मुनीम थे या जो उनके कर्मचारी थे वो लोग आए, इनके परिजनों को पता भी नहीं है कि बिना किसी, आज मार्बल एरिया में एक प्रोटोकॉल है कि कोई भी अगर मजदूर की डेथ होती है तो सर उसको क्लेम मिलता है, उस क्लेम की ना कोई सूचना दी ना कुछ। और जो उनके कर्मचारी थे इनको गुमराह करके, या इनके पिताजी को कुछ पता नहीं था, ये दुख की स्थिति में थे, तो इनको लेके जेल ना गए ये कहने के लिए कि पोस्टमार्टम करवा रहे हैं। यहाँ पे हम आए, वो मेरा पड़ोसी था, मेरा भाई था, एक युवा साथी था मेरा, वो यहाँ पे हम उसके साथ आए, तो मैंने पूछा इनको कि आपने क्लेम, जो क्लेम आपका पास होना है, आपने क्या उसकी कार्रवाई की है, आपने सेठ जी को या किसी जो हमारे मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सुधीर जी जैन, उनसे बात की क्या? तो बोले कि नहीं, हमको तो कुछ पता ही नहीं है। तो फिर हमने सुधीर जी जैन साहब को फ़ोन किया, जो कि हमारे प्रेजेंट टाइम के किशनगढ़ मार्बल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं सर। उनसे बात की हमने, इतना सा कहा कि सर आप कहाँ पे हैं, ऐसी ऐसी दुर्घटना हुई है तो आप यहाँ पे आए, हमको आज कम से कम 2 घंटे हो गए हैं यहाँ पे इंतजार करते हुए, तो आप आ जाएं। तो वो बोलते हैं, उनके वर्ड्स देखिए आप, वो ये बोलते हैं कि आप नेतागिरी मत करिए, उनके परिजनों को ये बोलते हैं कि आप नेतागिरी मत करिए, ये सर वर्ड्स नहीं होते हैं उनके, एक तो पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, हम सर सुबह 12 बजे से बैठे हैं यहाँ, 12 बजे मेरे मित्र की डेथ हो गई थी, 12 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं, सेठ जी को फ़ोन कर रहे हैं, सुधीर जी को फ़ोन कर रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं मार्बल एसोसिएशन के, वो नहीं आ रहे हैं अभी तक, अब आए हैं जाके, कम से कम अभी टाइम हो रहा है सर 7:30 पौने 8, वो